घायल कुत्ता नए मालिक के साथ लापता वी केयर फॉर ऑल संस्था ने कुत्ते को गोली मारने वाले पादरी पर की कार्रवाई की मांग। राजा की बगिया ने बंद किया आम रास्ता, निगम के अधिकारियों से भी साठगांठ के क्षेत्रवासियों ने लगाया आरोप। संत रविदास जयंती पर सम्मानित हुए अनुसूचित जाति के लोग, दशहरा मैदान में हुआ भव्य कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई संत रविदास जयंती, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हुआ आयोजन। और मेडिकल स्टोर संचालक ने दी एक्सपायरी डेट की दवाई, टैबलेट खाने से महिला गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चर्च कंपाउंड में 13 फरवरी को स्थानीय निवासी रामाकोना के पादरी रूपेश उइके के द्वारा एयर गन से एक आवारा कुत्ते को गोली मार दी गई थी। आरोपी पादरी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वी केयर फॉर ऑल संस्था के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। घायल कुत्ता बीते 2 दिनों से लापता है। पुलिस कुत्ते की MLC रिपोर्ट कराने के बाद ही पादरी पर एक FIR दर्ज करने की बात कह रही है। बुधवार को एक बार फिर वी केयर फॉर ऑल संस्था के लोग थाने पहुंचे, लेकिन घायल कुत्ते के नहीं मिलने से आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। बताया जा रहा है कि चित्र के आवारा कुत्ते को गोली लगने के बाद अचानक एक केयर टेकर सामने आ गया, जिसने कुत्ते पर अपना मालिकाना हक जताते हुए पुलिस में इस मामले में कोई भी FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। जबकि पशु प्रेमी संस्थाओं का कहना है कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण घायल कुत्ते का केयर टेकर इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करा रहा है। उन्होंने पुलिस से जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। यहाँ लगातार हम तीसरे दिन आ रहे हैं, फिर भी यहाँ घटना पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और FIR दर्ज नहीं की जा रही है, जिस चीज को लेकर हम सभी पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हम चाहते हैं उस श्वान को न्याय मिले और FIR दर्ज की जाए। नागपुर रोड स्थित राजा की बगिया को निजी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निगम के अधिकारियों के द्वारा आम रास्ते को बंद करके नाला बना दिया गया है। नाला बनने के बाद साथ ही यहां पर दीवार उठा दी गई है। बुधवार को EMS टीवी से चर्चा के दौरान क्षेत्रवासियों ने नगर पालिक निगम और राजा की बगिया के संचालक पर साठगांठ करने का आरोप लगाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निगम के द्वारा राजा की बगिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आम रास्ते को बंद कर दिया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर सड़क मार्ग उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगामी दिनों में उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत कई वर्षों से यहाँ से लोगों का आना जाना था, सड़क थी और सड़क के बाजू में अभी नाला बना दिए गए तो लोगों के आने जाने में समस्या हो रही। लोग दूर से घूम के आना जाना कर रहे हैं और दीवार भी खड़ी कर दी गई है यहाँ पे। हम लोग ने इसी कारण अगर प्लॉट खरीदे थे, क्योंकि हम लोग हैं बिजनेस वाले और सर्विस वाले, हम लोग को मेन रोड ये पड़ती थी और पास पड़ता था आने जाने में, तो इन लोगों ने बंद कर दिए। इससे हम लोग को दिक्कत, जब नाला बन रहा था तो इन्होंने बोला था हम रोड देंगे, जैसे जिम वाले भैया ने कर दी प्लान, और अभी राजा भैया लोग ने दीवार उठा दी, राजा बग्घी वालों ने, तो हम लोग को दिक्कत हो रही है। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर के साथ जिला स्तर पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में स्थानीय दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा सम्मानित किया गया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों को संत रविदास जयंती की बधाई दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, SP विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत CEO हरिंद्र नारायण, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली सहित समस्त भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आज संत शिरोमणि रविदास जी की 645वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज इस अवसर पर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो रविदास जी के विचार मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने मन को शुद्ध रखें और अपने देश अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। स्थानीय राजीव भवन में बुधवार को संत रविदास की जयंती मनाई गई। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में
संत रविदास के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ उगटे, राज्य मंत्री अनुसूचित जाति गुरुचरण खरे, प्रकाश मेहरोलिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। संत श्री के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए, निश्चित ही आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारे समाज के संत शिरोमणि जी की जयंती है और उन्होंने जो समाज के लिए नया चेतना देने वाला काम किया और उन्होंने नया संदेश दिया कि सब मिलजुल कर रहे। कोतवाली थाने के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक ने मरीज के परिजन को एक्सपायरी डेट की गोली दे दी, जिसका उपयोग करने से बुजुर्ग महिला गंभीर हो गई है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवारी बाजार क्षेत्र निवासी एक युवक कोतवाली थाने के सामने स्थित एक मेडिकल में दवाई लेने गया था, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा युवक को मार्च 2020 महीने की एक्सपायरी टैबलेट दे दी गई। इस टैबलेट को खाने से युवक की मां गंभीर हो गई है, जैसे निजी चिकित्सक को दिखाया गया है, जबकि मेडिकल स्टोर संचालक इस मामले में अपनी लापरवाही मानने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उनके द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाई ही नहीं दी गई है। यहां से दवाई लिया था तो यहां से मूवमेंट से वाइटल भी बोला था तो यहां नहीं थी, यहां से दिया। आज मम्मी को मतलब आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं ना? शिवम मेडिकल स्टोर, उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे ये डब्बा दिया। अब मम्मी खा रही थी 10 दिन से ये गोली, कभी गैप हो जाता था कभी वो 2-4 दिन की आड़ में एक गोली खा रही थी। आज उनको उल्टी हुई तो मैंने देखा कि क्या हुई कि ये गोली खाती हूँ थोड़ा भारी लगता बोले, तो मैंने देखा कि एक्सपायरी है 2020 तीसरे महीने की है और मैंने पता करा तो 18 महीने में ये एक्सपायरी हो जाती है, तो इसलिए मैं वहाँ गया वापस। मैंने कहा बोले तो उन्होंने अपनी गलती मानी। यहाँ रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए। निदेशी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग, तो आज ही ज्वाइन करें निधिशी एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। संत रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को रामबाग क्षेत्र में सामाजिक बंधुओं के द्वारा रविदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिक सहित रविदास समाज के सभी लोग मौजूद थे। आज संत शिरोमणि रविदास जी की 645 जयंती रामबाग में धूमधाम से मनाई गई। यहाँ पर सभी भक्त जन आए और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन बंधन वगैरह हुआ। तत्पश्चात हम सभी लोग यहाँ पर करीब 1000 गुरु का लंगर किया जाएगा। संत रविदास की 645वीं जयंती के अवसर पर खिरकापुरा स्थित संत रविदास मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पहुंचे, जिन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रविदास समाज के लोगों को जयंती की बधाई दी। इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि सामाजिक समरसता को साथ में लेकर के भगवान हरिनाम का जाप करते हुए राम राम को लेकर के बढ़े, यही मेरी आप सभी से निवेदन है। फुटका सब्जी व्यापारियों ने बुधवार को स्थानीय फब्बारा चौक में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। फुटका सब्जी व्यापारी संघ के लोगों का कहना था कि उन्हें नगर पालिक निगम की टीम के द्वारा स्थानीय जेल बगीचे के पास जगह आवंटित की गई है, जहां पर एक सब्जी व्यापारी को महज 5 फीट की जगह दी गई है। इतनी कम जगह में सब्जियां रख पाना मुश्किल है, जबकि यहाँ पर कोई भी टीन शेड नहीं बनाए गए हैं, जिससे धूप में सब्जियां खराब हो जाएंगी। बिजली की व्यवस्था भी निगम के द्वारा चबूतरे में नहीं की गई है। वहीं कई सब्जी व्यापारी ऐसी ही है जो 30 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम चबूतरा आवंटन की लिस्ट में नहीं आया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर फुटकर सब्जी व्यापारियों ने निगम से उचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग की है। मेरा नाम नहीं आया है और
जितने बड़े चबूतरा बने चढ़ने सकते उतरने सकते, कैसे चढ़ेंगे कैसे उतरेंगे। जो इन्हें जगह दी गई है जेल बगीचे में, जो चबूतरा के लिए जगह दी गई है, वो उनको 5 फीट जगह दी गई है। 5 फीट जगह में उनके 2-3 सब्जी लग पाएगी ना, कहाँ वो बैठेंगे, अपना सामान कहाँ रखेंगे, उन लोगों की ये मांग है। और जो चबूतरा बनाया गया है उसमें 3 सेट नहीं है। जो सब्जी है देखो, कच्चा माल होता है गरीबों का, वो दूसरे दिन सड़ जाता है। यदि दिन भर भी 2 घंटे की धूप भी लगेगी तो वो सड़ जाएगा। तो उनका क्या है, 3 सेट की व्यवस्था होना चाहिए। आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती के मामले में अनियमितता होने की शिकायत को लेकर आवेदिका रविता इरपाची बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उसने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति होने की बात कही है। आवेदिका का कहना है कि उसे 74.83% मिलने के बावजूद भी 7% अंक मिलने वाली अन्य महिलाओं को सहायिका बना दिया गया है। रविता इरपाची ने इस मामले में जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत कर रही हूँ कि मेरा पहला नंबर आई थी और आई नहीं है, तीसरा नंबर का हो गया है, इसलिए मैं यहाँ शिकायत डालने आई थी। किस चीज़ का सिलेक्शन हुआ जो सहायिका का डालने आई? कहाँ, कौन से गांव का? मैं धादरा से आई हूँ, ग्राम पंचायत धादरा से हूँ। तो कितने परसेंट है आपके? मेरा परसेंट 74 मार्क्स। और सामने वाले का? सामने वाले का 7 आया है। गुलाबरा स्थित शिव मंदिर बड़े कुएं में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बुधवार को हवन पूजन और पूर्णाहुति के बाद समापन हुआ, जिसके बाद मंदिर परिसर में महाआरती होने के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में अब भगवान शिव की प्रतिमा के साथ गणेश, कार्तिकेय, पार्वती और देवी दुर्गा सहित काल भैरव की स्थापना की गई है। आज विशाल भंडारे के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिनेश मालवी, धीरज घोंगे, राजू पवार, विनोद मालवी, एस चंद्रू तेवर, राजू पाठक, मन्नू देवांगन सहित अन्य लोग मौजूद थे। शिव मंदिर बड़ा कुआं में वर्षगांठ रहती है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना विगत 14 वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र में यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर कराई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में इस बार जो जीर्ण शीर्ण मूर्तियाँ की उनकी स्थापना भी विगत 12 तारीख से चालू हुई और आज इसका समापन पूरे विधि विधान से शिव मंदिर बड़ा कुआं समिति के माध्यम से हुआ और आज विशाल भंडारा शिव मंदिर बड़ा कुआं समिति करा रही है। हरोई नगर परिषद की वार्ड नंबर 9 डाबरा में अचानक एक किसान के घर में आग लग गई, जिससे उसके घर में बंधे दर्जन भर मवेशी आग में झुलस गए, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचने में भी काफी देरी हो गई थी। इसके पहले ही ग्रामीणों की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर सवाल निशान खड़े किए हैं। अच्छा, आप लोग आए, आप फायर ब्रिगेड भी चालू नहीं थी उस समय? कितने देर बाद आई गाड़ी आपके पास नगर पालिका? छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।